लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। आसमान से हुई अमृत की बारिश, अन्नदाताओं का दिल हुआ गदगद बालोद। लंबे इंतजार के बाद जिला मुख्यालय सहित अंचल में बारिश ने किसानों में चिंता की लकीरें साफ कर दी हैं। शनिवार रविवार से अच्छी बारिश होने से अन्नदाताओं के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी है। आसमान से गिरे अमृत रूपी बारिश ने दिल खुश कर दिया है। बीते दो दिनों से शहर सहित अंचल में पानी कभी तेज तो कभी रिमझिम के रूप में गिर रहा है। जलाशयों का बढ़ने लगा जल स्तर, इस दरमियान कई बार जिला मुख्यालय सहित अंचल में बिजली भी गुल होती रही। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश लगातार होने से हर वर्ग ने गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। लगातार पानी गिरने से जिले के पर्यटन स्थल सिया देवी का प्राकृतिक झरना आकर्षण का केंद्र हो गया है। ऊपर से पानी गिरने से यहां का झरना खूबसूरत दिखने लगा है तो वहीं जलाशयों का जल स्तर भी बढ़ने लगा है। ज्ञात रहे कि जिला मुख्यालय में रविवार को दोपहर से लेकर रात तक कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश होती रही। शाम को 5:45 बजे के बाद शहर में झमाझम बारिश हुई, जिससे शहर के प्रमुख मार्ग पानी से लबालब भर गया, जिससे आने जाने वाले शहर वासियों को दिक्कतें हुई। पिछले हफ्ते बोए फसल के पौधों को मिला जीवन। पिछले हफ्ते से बारिश नहीं होने व तेज धूप से किसानों को फिर पिछले साल की स्थिति जैसी सोच ने चिंता में डाल दिया था। कुछ दिनों से हो रही बारिश व अंचल में रविवार की शाम को झमाझम बरसात ने राहत दी है। दोपहर 3 बजे से बरसात शुरू हो गई, जो रुक रुक कर तेज व मध्यम गति से देर शाम तक जारी रही। बरसात से पिछले हफ्ते बोए धान की फसलों को जीवन मिला है, इससे किसानों में प्रसन्नता है। जिले में बोवनी के बाद किसानों को अच्छी बरसात का इंतजार था। रविवार को हुई बरसात ने फसलों के लिए अमृत का काम किया है। कई जगह बरसात नहीं होने से फसलें सूखने के कगार पर थी। कई गांव में अच्छी बारिश हुई है जो फसलों के लिए उपयोगी साबित होगी। उमस से मिली बड़ी राहत, दूसरा ओर उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा था। एक दिन पहले शाम बादलों ने आसमान से राहत बरसाई और लोग खुशी से झूम उठे। जिले में एक दिन पहले हुई बारिश के उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा था। रविवार शाम बादलों ने जो बारिश की उससे लोगों को राहत मिली, लोग झूम उठे। बच्चे हो या बड़े, हर किसी ने बारिश के मजे लिए। इसके साथ ही मौसम में भी ठंडक घुल गई। दोपहर से छाने लगे थे बादल, रविवार की दोपहर से बादल छाने लगे थे। शाम तक बादलों ने गहरी काली घटाओं का रूप ले लिया और हवा भी ठंडी हो गई। उसके बाद हुई बारिश में भीगकर लोगों ने इसका आनंद उठाया। सबसे अधिक उत्साह युवाओं व बच्चों में देखने को मिला। बारिश के कारण शहर की सड़कों पर पानी भर गया। नालियों से कचरा व गंदगी निकलकर सड़कों पर बहने लगी थी। लोगों को कुछ दिनों से बारिश का बेसब्री से इंतजार था। खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे किसान खेतों की ओर रुख करेंगे। तापमान में आई गिरावट, झमाझम बारिश से तापमान में भी 3 डिग्री की गिरावट आई है। 5 दिन पहले तक 34 से 35 डिग्री के आसपास चल रहा तापमान गिरकर 31 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं रात का तापमान 29 डिग्री से गिरकर 26 डिग्री पर आ गया है। तापमान में गिरावट से लोगों को राहत मिली है। कहां कितनी हुई बारिश, मिले आंकड़ों के अनुसार बालोद ब्लॉक में 56.03 मिमी बारिश हुई है। इसी तरह गुरूर ब्लॉक में 0, गुंडरदेही में 8.6, डोंडी ब्लॉक में 10.4 मिली और डोंडी लोहारा ब्लॉक में 20 मिमी बारिश दर्ज की गई है। शनिवार सुबह से रात में हुई बारिश, जिले में औसत 23.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।